Good morning, students. So today we are discuss about the new topic, that is patterns. So first of all, I would like to welcome all of you this online session, and I hope that you are all doing well at home. So now start our topic. Patterns. A pattern is defined as a regular and consistent occurrence or arrangement of things that follows a certain set of rules. A pattern is defined as a regular and consistent occurrence or arrangement of things that follows a certain set of rules. जो पैटर्न होगा उसमें क्या होगा, जो थिंग्स होंगी या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या उसमें जो भी पैटर्न चल रहा होगा वो एक रूल फॉलो करेगा. जैसे मैं बात करूँ, दिस इज़ अ बेड शीट. टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बेड शीट. सो देयर इज़ अ वन सर्कल, दिस इज़ अ डिज़ाइन ऑफ बेड शीट. द बेड शीट फॉलो such kind of design. So now look at this first row, second row, third, fourth, fifth. These rows are follow a certain pattern. इसमें pattern क्या चल रहा है, ये पहले circle है, उसके बीच जो space है, जो second row वाला circle है, वो उस space में आ रहा है. ठीक है, फिर जो थर्ड रो है उसका सर्कल कहाँ पर आ रहा है, जो स्पेस सेकंड रो के सर्कल के बीच है. मींस जो स्पेस यहाँ पर बाकी बची है सेकंड रो में, थर्ड रो का सर्कल उस प्लेस पर आएगा. ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई भी पैटर्न हो सकता है फॉलो. ठीक है, अगर हम बात करें नेचर की, नेचर भी एक पैटर्न फॉलो करती है. लाइक डेज एंड नाइट फॉलो सर्टेन पैटर्न. मीन्स जो हमारे क्लाइमेट है वो भी पैटर्न फॉलो करता है. मीन्स वो हर साल रिपीट होता है पैटर्न. पता है ना हमें मार्च में जो दिन और रात बराबर होने लग जाती है, फिर ऐसे ही अप्रैल में दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जून तक बढ़ते हैं, फिर 21 जून के बाद दिन कम होने शुरू हो जाते हैं, दिन की लेंथ कम होनी शुरू हो जाती है. दिन वही रहते हैं लेकिन जो डे लाइट है उसकी लेंथ कम होती है. डे लाइट कम होती है, डे लाइट की लेंथ बढ़ती है, वो भी एक पैटर्न फॉलो कर रही है. कई सालों से जब हम अर्थ पर नहीं थे तब से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ द पैटर्न. पैटर्न टू टाइप्स के हैं, नेचुरल, जो पैटर्न नेचर फॉलो करती है, नेचुरल पैटर्न्स जो हमें नेचर में देखने को मिलते हैं, और मैन मेड पैटर्न्स जो हम खुद बनाते हैं. दीज आर मैन मेड पैटर्न्स. लाइक कोई भी एग्जांपल ले लो, किसी फ्लोर की एग्जांपल ले लो. क्या होता है, कभी जो टाइल्स लगी होती हैं किसी फ्लोर में, कोई किस पैटर्न में लगाता है अपने पूरे घर में टाइल्स को, किस पैटर्न में, सो वो मैन मेड पैटर्न्स होते हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब हम बात करेंगे नंबर पैटर्न्स की. जैसे 1 × 8 + 1 दैट इज 9, 12 × 8 + 2 दैट इज 98. इट मीन 123 × 8 + 3 दैट इज 987. सिमिलरली अगर हम 1, 2, 3, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ,
उसमें 4 प्लस करेंगे क्या आएगा, 9, 8, 7, 6। दिस इज अ पैटर्न फॉलो बाय द नंबर्स, ये नंबर्स का पैटर्न है। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे 1 × 8 = 8, 11 × 88, दिस इज ऑल्सो फॉलो अ पैटर्न। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द पैटर्न। ओके, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है। सिमिलरली ये चलता जाएगा, अगर हम 4 के साथ करेंगे तो पैटर्न बनेगा 9, 8, 7, 4, 5, 6, 8। मीन्स पहले क्या रहेगा, 8, उसके बाद फर्स्ट प्लेस पर 9 आ जाएगा, लास्ट पर 8 आएगा। अब देखो इसमें यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, फर्स्ट में 9 आ रहा है, लास्ट में 8 आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ द पैटर्न दैट फॉलोड बाय द पर्टिकुलर नंबर्स। इसमें एक और चीज़ है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। अब देखो ये पैटर्न कैसे बन रहा है, जैसे 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। अब 1 को मल्टीप्लाई करना है 88 के साथ, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई लिख कर लेंगे, ओके। फिर इन दोनों का सम करेंगे, कितना आएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा बोलो, 8 + 8 = 16, 1 कैरी आ जाएगा। फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 1 कैरी इसमें ऐड कर देंगे, 968 आ गया। एक तो आप इस मेथड के साथ याद रख सकते हो, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है इसको याद रखने का, लाइक मैंने 11 को 88 के साथ मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या किया, ये 8 यहाँ पर लिख लिया, ओके, ये 8 यहाँ पर लिख लिया मैंने। अब इन दोनों को ऐड किया, जो आंसर आया 8 + 8 किया मैंने, कितना आया, 16 आया मेरे पास। 16 का मैंने 6 लिखा, 1 कैरी हो गया, जो 1 कैरी था वो इस 8 में ऐड कर दिया, 9 आ गया, ओके। अब 3 डिजिट वाला देखो, आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। हम प्लस वाले मेथड के साथ ही करते हैं, ठीक है। पहले हमने 8 को एज इट इज़ लिख लिया, ओके। अब इन दोनों 8 को क्या किया, हमने प्लस किया, कितना आया, 8 + 8 = 16 आया हमारे पास, हमने 6 लिख लिया, 1 कैरी हो गया हमारा, ठीक है। अब इन तीनों 8 को हमने प्लस करना है, 3 8 को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 24 आएगा, उसमें ये 1 कैरी करो, 25 5 लिख लिया, 2 कैरी आया। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है, पहले हम पेयर बना रहे थे इस साइड को, ठीक है। अब हमने तीन, ये तीनों कंप्लीट हो गए ना, अब हमने इस 8 को छोड़ देना है, ओके। अब इन दोनों को प्लस करना है हमने, कितना आएगा हमारे पास, 16 आएगा, 16 में 2 प्लस करेंगे, कितना बन जाएगा वो, 18 आ जाएगा, 18 का 8 यहाँ पर आएगा और 9 यहाँ पर लग जाएगा, ओके, इज दैट क्लियर। सिमिलरली हम 4 डिजिट वाला भी कर सकते हैं, 4 डिजिट वाला मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, हम पैटर्न फॉलो करेंगे, 8 आ जाएगा। अब पहले इन दोनों की प्लस करेंगे, कितना बनेगा, 16, फिर तीनों की करेंगे, फिर 2 कैरी आएगा, इनकी प्लस करेंगे, 34 बन जाएगा। अब इनकी प्लस करेंगे, उसमें 3 प्लस होगा, 27 बन जाएगा। अब इसमें 2 प्लस होगा, 18 बन जाएगा। अब 8 में 1 प्लस होगा तो 9 बन जाएगा, यही आंसर आ रहा है ना हमारा, 9 8 7 4 5 6 8, ओके। सिमिलरली हम 5 डिजिट वाला, 6 डिजिट, जितना मर्जी आ जाए हम ऐसे कर सकते हैं, ओके। ये पैटर्न फॉलो हो रहा था, 1 × 8 = 1 × 8 = 8 × 1 × 8 = 8 4 × 1 × 4 = 8, मतलब 1 digit, 2 digit, 3 digit, 8 digit, ऐसे ही ये पैटर्न फॉलो होगा, ओके। सो अब फर्स्ट वाला में देखो क्या हो रहा था, देखो 1 + 8 + 1 = 9 आ गया। अब 12 + 8 + 2 किया, फर्स्ट प्लेस पर 9 आएगा, पिछली प्लेस पर 9 से एक कम,
अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 8 को 1, 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, पहले 9 फिर 8 फिर 7, सिमिलरली ये पैटर्न ऐसे चलता जाएगा। ओके, दिस इज़ द नंबर पैटर्न्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, पैटर्न इन द ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक पैटर्न, लाइक दिस इज अ पॉइंट, एनी पॉइंट। सो इसमें देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 1। पैटर्न क्या है इसमें, 0 है पैटर्न, कुछ कोई पैटर्न नहीं है, 0। ओके, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट वो भी कितना आ जाएगा, 0, बिकॉज दिस इज ओनली पॉइंट। सो नो लाइन सेगमेंट, नो पैटर्न। अगर दो पॉइंट हो हमारे पास ए और बी, दोनों को ज्वाइन करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट कितने आएंगे, 2। अब पैटर्न क्या आएगा, वो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पैटर्न आएगा एक तो 0 प्लस 1, 1 पैटर्न आएगा, और लाइन सेगमेंट कितनी आएंगी जी, लाइन सेगमेंट वो भी 1, जितना पैटर्न होगा उतनी ही लाइन सेगमेंट आएंगी। ओके, लाइक हमारे पास है 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास है ए बी सी डी, वी आल्सो ज्वाइन बी डी ए सी। सो अब देखो नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं, नंबर ऑफ पॉइंट 1, 2, 3, 4, 4। अब पैटर्न देखो, पैटर्न कितने बनेंगे इसके, पैटर्न आएंगे 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, टोटल कितने बन गए, 6। अब लाइन सेगमेंट कितनी बनेंगी इसमें, लाइन सेगमेंट वो भी 6 आएंगी, 6 कैसे, ये ए बी फर्स्ट लाइन सेगमेंट आएगी, ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट, ये सेकेंड लाइन सेगमेंट बी सी, थर्ड सी डी, फोर्थ ए डी, फिफ्थ आएगी ए सी, सिक्स्थ आएगी बी डी। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 6, पैटर्न 6, बट नंबर ऑफ पॉइंट 4। सिमिलरली वी कैन फाइंड द पैटर्न ऑफ द नंबर, नंबर ऑफ पॉइंट है हमारे पास 6, वी जस्ट फाइंड द पैटर्न एंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। सो पैटर्न क्या आएगा इसका, पैटर्न आएगा 0 प्लस 1 प्लस 2, आपने हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, अगर पॉइंट 1 है तो 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है, 4 एंड 5। देखो ये टोटल काउंटिंग में 6 हो जाने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो ये होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे ना, ये टोटल नंबरिंग इनकी 6 है, पर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 0 से। सो 0 से लेकर 5 तक, अब इनको प्लस कर लो कितना बनेगा, 1, 2, 3 प्लस 3, 6 प्लस 4, 10 प्लस 5, 15। अब लाइन सेगमेंट कितनी आएंगी इसकी, दिस इज आल्सो 15। ओके, लाइन सेगमेंट भी 15 आएंगी इसमें, पैटर्न भी 15 बनेंगे, और अब पॉइंट की है कितने हैं, 6 हैं। सो दिस इज अबाउट द पैटर्न। अगर हम पैटर्न की और एग्जांपल लेना चाहे वो भी ले सकते हैं आप, पैटर्न कहीं पर भी देख सकते हो, बहुत सारी थिंग्स हैं जिसमें पैटर्न यूज़ होता है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी आपको, बेडशीट्स पर पैटर्न बनता है, ठीक है, कुछ ना कुछ पैटर्न बना होगा। आप अपने बेड को चेक कर लेना, जो बेड का कपबोर्ड बना होता है पीछे, उसमें पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। सो नेचर में बहुत सारे पैटर्न हैं, आप नेचर में देख सकते हो, ट्री है, एक किस्म के ट्री, लाइक हम बात करें
नॉर्मल ट्रीज जैसे कहना हो शीशम का पेड़, तो शीशम का पेड़ है वो अलग पैटर्न फॉलो करता है। पीपल, बरगद, ये सभी पेड़ अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं। ओके, सो पीपल के पेड़ एक जैसे ही होंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ काइंड। बरगद के पेड़ एक जैसे होंगे, मोस्टली बरगद के पेड़ एक जैसे ही होते हैं, उसमें भी पैटर्न होता है, आप ध्यान से नोटिस करना उनको। सो जो मैन मेड पैटर्न है वो हमें टाइल्स पर, फ्लोर्स पर, डिज़ाइनिंग या इसके अलावा आप कंप्यूटर पर गूगल से सर्च कर सकते हो मैन मेड पैटर्न, वो बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास आ जाएंगी। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द पैटर्न। थैंक यू स्टूडेंट्स।